तो आज के दिन यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को न्यू सीएस रैंक सीजन 21 आने वाला है और न्यू सीएस रैंक सीजन में रैंक पुश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर आप न्यू रैंक सीजन के अंदर एक अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से गेम प्ले कीजिएगा तो आप इजिली रैंक पुश कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं न्यू सीएस रैंक सीजन 21 के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिसका यूज करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा ओवर पावर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर न्यू सीएस रैंक सीजन 21। तो सबसे ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग को चाहिए सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर। तो देखिए एट द टाइम अभी जो है फ्री फायर गेम में 16 एक्टिव स्किल कैरेक्टर है और सारे के सारे जितने भी एक्टिव स्किल कैरेक्टर हैं उनकी अपनी खास एबिलिटी और सारे ही अच्छे एक्टिव स्किल कैरेक्टर हैं। लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर है, जबकि न्यू सीएस रैंक सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी जो सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टिव स्किल कैरेक्टर है मेरी नजर में वो है ओरियन कैरेक्टर। ओरियन कैरेक्टर जो है सबसे ज्यादा ओपी एक्टिव स्किल कैरेक्टर है। देखिए मेरे बोलने पे नहीं जाइए, मैं इसको प्रूव कर देता हूं, मैं थोड़ा आपको भी समझाने का ट्राई करता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं कि ओरियन कैरेक्टर अभी जब न्यू सीएस रैंक सीजन स्टार्ट हुआ है अभी सबसे ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। तो सबसे पहली बात तो ओरियन कैरेक्टर का कूल डाउन टाइम जो है सिर्फ 3 सेकंड है और इसका एबिलिटी टाइम भी 3 सेकंड है। मतलब कि एक बार ओरियन कैरेक्टर का एबिलिटी ऑन कीजिएगा फिर 3 सेकंड एबिलिटी रहेगा, उसके बाद फिर से यूज कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कोई कूल डाउन टाइम नहीं। उसके बाद ओरियन को आप अनलिमिटेड बार यूज कर सकते हैं, मतलब जितना चाहे उतना बार आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखिए कंटिन्यू मैंने यहां पर 4 बार ओरियन कैरेक्टर का यूज किया, ये 5वां बार है। मतलब बंदे को डाउन करते जाइए आपको ईपी मिलते रहेगा, ईपी के लिए मैं अलग पैसिव कैरेक्टर यूज कर रहा हूं, ईपी मिलते रहेगा, आप बार बार ओरियन कैरेक्टर का यूज कर सकते हैं। मतलब एक तो कूल डाउन टाइम है ही नहीं ओरियन कैरेक्टर में, उसके बाद इसको कितना बार चाहे उतना बार यूज कर सकते हैं दूसरा खासियत। और तीसरा खासियत है ये जब ओरियन कैरेक्टर अपना एबिलिटी ऑन कर लेता है तो इसको जो ना किसी तरह से डैमेज नहीं दिया जा सकता है, किसी तरह से ना जोन से डैमेज दिया जा सकता है, ना ग्रेनेड से डैमेज दे सकता है, ना फॉलिंग से डैमेज दे सकता है, ना ही इनिमी अपना गन से इसको डैमेज दे सकता है। साथ ही साथ ओरियन कैरेक्टर जो ओरियन कैरेक्टर अपना एबिलिटी ऑन करता है सर्कल के अंदर अगर कोई इनिमी रहेगा तो उसका 30 HP खींच करके वो अपना HP बना लेता है। मतलब जैसे कोई इनिमी है उसका 30 HP खींच लेगा और ओरियन कैरेक्टर 30 HP तुरंत ही आपको दे देगा। मतलब 3 सेकंड के अंदर इतना ज्यादा काम कर देगा, मतलब इनिमी का HP खींचेगा और आपको देगा। तो ओरियन कैरेक्टर बहुत ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है जिस कारण से CS में ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। लेकिन ओरियन कैरेक्टर का एक वीकनेस है कि ओरियन कैरेक्टर का एबिलिटी को एक बार यूज करने के लिए आपके पास 150 EP होना ही होना चाहिए। एक भी EP कम रहेगा तो आप ओरियन की एबिलिटी को यूज कर ही नहीं पाएंगे। एक वीकनेस है ओरियन कैरेक्टर का कि आपके पास ईपी होना चाहिए, वो भी 150 EP, तब आप एक बार यूज कर पाएंगे। अगर आपके पास 300 EP रहेगा तो 2 बार आप ओरियन कैरेक्टर का यूज कर पाएंगे। मतलब ओरियन कैरेक्टर का एक छोटा सा वीकनेस है लेकिन ओरियन कैरेक्टर में बहुत ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है। तो हम लोग ओरियन कैरेक्टर के साथ सही से पैसिव कैरेक्टर यूज करके एक तो ओरियन कैरेक्टर का वीकनेस को बिल्कुल खत्म कर देंगे, साथ ही साथ हम लोग ऐसे पैसिव कैरेक्टर का यूज करने वाले हैं जिससे कि ओरियन कैरेक्टर का पावर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ओरियन कैरेक्टर के साथ जो फर्स्ट स्किल स्लॉट है इसमें जो पैसिव कैरेक्टर यूज करना है वो होने वाला है मिगुएल कैरेक्टर। मिगुएल कैरेक्टर क्या करता है ना, जब भी आप किसी अपोनेंट को इनिमी को जैसे ही डाउन करते हैं तो आपको 200 EP मिल जाता है। तो आपको पता है ओरियन को मतलब यूज करने के लिए 150 EP चाहिए। अगर इसके साथ ओरियन के साथ अगर आप मिगुएल कैरेक्टर यूज करते हैं तो मिगुएल कैरेक्टर जो ओरियन का नीड है ईपी का नीडेस है उसको पूरा करते रहता है। मतलब आप इनिमी को डाउन कीजिएगा आपको ईपी मिल जाएगा और आप फिर से ओरियन का यूज कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह से अगर आप ओरियन के साथ मिगुएल का यूज कर रहे हैं तो आप मल्टीपल्स टाइम जो है ओरियन का यूज कर पाएंगे, क्योंकि मिगुएल आपको ईपी देगा तभी आप ओरियन का यूज कर पाएंगे। अगर मिगुएल आप यूज नहीं कीजिएगा तो मुश्किल से आप 1 राउंड में 1 से 2 बार ही जो है ना ओरियन का यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मिगुएल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं ओरियन के साथ तो आप मल्टीपल्स टाइम बहुत ज्यादा बार जो है ना आप ओरियन कैरेक्टर की एबिलिटी यूज कर पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में ओरियन के साथ मिगुएल कैरेक्टर यूज करना ही करना है। तो
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सेकंड स्किल स्लॉट में मतलब सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में हम लोगों को कौन सा कैरेक्टर यूज करना चाहिए ओरियन के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों को एंटोनियो कैरेक्टर यूज करना है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये जो ना बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो देखिए एंटोनियो कैरेक्टर का एक सीक्रेट बेनिफिट आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जो कि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में होने वाला है। आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंटोनियो कैरेक्टर का यहाँ पर क्या सीक्रेट बेनिफिट होने वाला है ओरियन के साथ यूज करने के बाद। लेकिन इससे पहले आपको एंटोनियो की एबिलिटी को सही से समझना होगा क्योंकि एंटोनियो की एबिलिटी अपडेट के बाद बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो एंटोनियो का जो यहाँ देखिए एंटोनियो का जो एचपी है उसके ऊपर देखिए नीला नीला कलर का दिख रहा होगा, ठीक ना। और जैसे इनिमी मारता है तो देखिए हेल्थ तो घटता है, एचपी घटता है, साथ में वो नीला वाला खत्म हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ मैं चिपके बैठा हूँ तो वो नीला वाला जो एचपी है, नीला वाला भी बोल सकते हैं एक तरह से, वो शील्ड पॉइंट है, एचपी बोल सकते हैं एक तरह से, वो देखिए खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। पहले इनिमी देखिए फिर से जब हमको मारेगा तो वो नीला वाला खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो जब मैं कवर में जाऊंगा तो वो धीरे धीरे फिर से जनरेट हो जाएगा, ठीक ना। तो मतलब इस तरह से बार बार हो रहा है, ठीक ना। तो ये एंटोनियो कैरेक्टर की एबिलिटी है कि एंटोनियो जो है ना आपको 40 शील्ड पॉइंट देता है, एक तरह से बोला जाए तो 40 एचपी देता है। अगर इनिमी मारेगा तो सबसे पहले आपका डैमेज जो है ना वो 40 शील्ड पॉइंट पे पड़ेगा, उसके बाद आप पे डैमेज पड़ेगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आइस ग्रेनेड का डैमेज देखिए 65 का डैमेज है, 65 का डैमेज है, लेकिन मेरा एचपी पे देखिए कितना डैमेज पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ 25 का डैमेज पड़ा है और मेरा 175 एचपी बचा हुआ है। बाकी जो 40 डैमेज है मतलब 65 में से 25 तो मेरा एचपी पे डैमेज पड़ गया, बाकी जो 40 जो डैमेज है वो मेरा शील्ड पॉइंट पे पड़ा, ठीक ना। शील्ड पॉइंट खत्म हो गया है और शील्ड पॉइंट तो आपको पता है कि एंटोनियो शील्ड पॉइंट सेल्फ जनरेट भी कर सकता है। देखिए धीरे धीरे मेरा शील्ड पॉइंट फिर से आ गया, फिर से देखिए इनिमी मारा, फिर से शील्ड पॉइंट खत्म हो गया और फिर से मेरा शील्ड पॉइंट सेल्फ जनरेट हो जाएगा, ठीक ना। तो एंटोनियो यही करता है कि जो भी आपको पहले इनिमी मारेगा तो पहले एचपी पे डैमेज नहीं पड़ेगा, पहले शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ेगा, फिर जब आपका शील्ड पॉइंट खत्म हो जाएगा तब जाकर के आपका एचपी पे डैमेज पड़ेगा। तो इस तरह से एंटोनियो कैरेक्टर यूज करने के बाद आपको 40 एक्स्ट्रा एचपी मिलेगा, मतलब 40 एचपी आपके पास ज्यादा रहेगा। और इसका सीक्रेट बेनिफिट जानने के लिए आप यहां पर आप गौर से देखिए, यहां पर मैं एंटोनियो के कारण ही ओरियन को दो बार यूज कर पाया। आप देखिए दो बार यूज किया, एंटोनियो के कारण यूज कर पाया, एंटोनियो नहीं रहता तो दो बार यूज नहीं कर पाता। तो चलिए इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसको थोड़ा रिकैप करते हैं। तो यहां पर मैं जब फर्स्ट इनिमी को मारता हूं तो मेरे पास 300 ईपी हो जाता है, पक्का 300 ईपी हो जाता है और लैब से एक बंदा करके हमको मारता है तो ये डैमेज मेरा एचपी पे नहीं पड़ के शील्ड पॉइंट पे पड़ता है, शील्ड पॉइंट पे पड़ता है इसलिए मेरा एचपी नहीं घटता है, एचपी नहीं घटता है तो इससे क्या होता है ना, फर्स्ट बार जब मैं ओरियन कैरेक्टर का यूज करता हूं तो 150 ईपी खत्म हो जाता है, मेरे पास बचता है 150 ईपी। अगर यहीं पर मेरा एचपी घटा हुआ रहता तो वो ईपी चले जाता है एचपी में, तो वो मेरे पास जो है ना 150 ईपी से कम ईपी बचता, तो मैं दोबारा ओरियन का यूज कर ही नहीं पाता क्योंकि 150 ईपी से कम ईपी बचता। तो यहां पर एंटोनियो इनडायरेक्टली मेरा हेल्प किया, एंटोनियो क्या किया मेरा एचपी घटने से बचाया, इसलिए जाकर के हम लोग यहां पर दोबारा मतलब एचपी नहीं घटा तो ईपी भी नहीं घटा, ईपी नहीं घटा तो इसलिए मैं ओरियन का दोबारा यूज कर पाया। तो मतलब इनिमी का 30 एचपी पहला बार खींचा, दूसरा बार फिर से 30 एचपी खींचा और 60 एचपी तो इनिमी को मैंने ओरियन का एबिलिटी यूज करके खींच लिया, उसके बाद गन से मार दिया। तो यहां पर एंटोनियो जो है सीक्रेटली बहुत ज्यादा हेल्प करता है ओरियन कैरेक्टर का। जब भी आपके पास इस तरह का सिचुएशन रहेगा जब कि इनिमी एक दो गोली आपको मारेगा तो वो शील्ड पॉइंट पे डैमेज पड़ जाएगा जिससे कि आप ओरियन का दो बार यूज कर पाएंगे, इनिमी का 60 एचपी घटा दीजिएगा उसके बाद इनिमी को मारना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो इसी सीक्रेट एबिलिटी के कारण ही मैंने बोला कि एंटोनियो को आपको सेकेंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में यूज करना है। पहला बेनिफिट तो आपको पता है कि वो 40 आपको एक्स्ट्रा एचपी देगा। दूसरा बेनिफिट क्या होता है ना, ये सीक्रेटली जो है ना ओरियन का हेल्प करता है, ओरियन का एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, ओरियन को पावर को बढ़ा देता है एंटोनियो कैरेक्टर। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सेकेंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में एंटोनियो कैरेक्टर यूज करना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि थर्ड और लास्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में हम लोगों को कौन सा कैरेक्टर यूज करना है। तो यहाँ पर थर्ड पैसिव कैरेक्टर के रूप में मैं आपको मल्टीपल चॉइस बताऊंगा, एक से ज्यादा चॉइस बताऊंगा, आप अपने अनुसार लास्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा पैसिव कैरेक्टर यूज करना है। यहाँ पर मैं कुछ आपको मल्टीपल चॉइस बता देता हूँ। तो सबसे पहला चॉइस जो है वो है हयातो कैरेक्टर। आप हयातो कैरेक्टर को थर्ड पैसिव कैरेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं क्योंकि जब आप ओरियन कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो ज्यादातर आप क्लोज फाइट कीजिए,
कीजिएगा। और आपको पता है कि हयातो करेक्टर क्लोज फाइट में आपको बहुत ज्यादा हेल्प देता है, इसलिए आप थर्ड पेसिव करेक्टर के रूप में हयातो करेक्टर यूज कर सकते हैं। तो आगे बात करें सेकेंड चॉइस की, तो सेकेंड चॉइस जो है ना वो है सोनिया करेक्टर। सोनिया करेक्टर का तो कुछ बोलने का बात ही नहीं, ये आपको पुनर्जन्म होने का पावर देता है, फिर से रिवाइव होने का पावर देता है, इसलिए आप लास्ट पेसिव करेक्टर के रूप में सोनिया करेक्टर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेडर है तो एलवारो करेक्टर का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारा बंदा जो है ना ओरियन के साथ एलवारो लगा करके नेडिंग करते हैं, ठीक ना। तो ये तीनों तो मेरा पर्सनल सजेशन है। इसके अलावा भी आपका अगर कोई पर्सनल फेवरेट करेक्टर है उसको आप लास्ट पेसिव करेक्टर के रूप में यूज कीजिए। यहां पर आपको मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूं आपको इन्हीं तीनों करेक्टर में से यूज करना है, आपको जो पसंद है वो यूज कीजिए। मैंने आपको बताया कि हयातो और सोनिया यूज कीजिएगा तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। इसके अलावा हम लोग बात करें पैट की, तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ हम लोगों को कौन सा पैट यूज करना चाहिए। तो पैट में देखिए, पैट में एक पैट आता है ओट्रियो पैट नाम करके। तो ओट्रियो पैट क्या करता है ना, आप जितना हेल्थ बढ़ाइएगा आप अपना एचपी बढ़ाइएगा मेडिकिट मार के, उसका 65% आपको ईपी मिलेगा। तो इस तरह से जब आप मेडिकिट मारिएगा तो आपको ईपी भी मिलेगा, तो जिससे कि आप ओरियन का और भी ज्यादा यूज कर पाएंगे। तो इसलिए ओट्रियो पैट का यूज कीजिए आप पैट स्किल स्लॉट। इसके बाद लास्ट में बारी आती है लूड आउट की, तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ सबसे अच्छा लूड आउट कौन सा होने वाला है। तो सबसे अच्छा तो बॉनफायर होने वाला है, बॉनफायर का यूज कीजिए तो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन आप कोई सा भी लूड आउट यूज कर सकते हैं, लूड आउट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बॉनफायर यूज कीजिएगा थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी लूड आउट यूज कर सकते हैं, आप अपने स्क्वाड के अनुसार भी लूड आउट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो फाइनल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन फॉर न्यू सीएस रैंक सीजन 21 के लिए जो निकल के आता है, उसमें से एक्टिव स्किल कैरेक्टर के रूप में ओरियन कैरेक्टर यूज करना है, फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर के रूप में मिगुएल कैरेक्टर यूज करना है, सेकंड पैसिव कैरेक्टर के रूप में आपको एंटोनियो कैरेक्टर यूज करना है, उसके बाद थर्ड पैसिव में मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस बताया जिसमें से सोनिया और हयातो मेन है, उसके बाद पैट स्किल स्लॉट में आपको ओट्रियो पैट यूज करना है, उसके बाद लूड आउट में आप अपने स्क्वाड के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर बॉन्ड पैर यूज कर सकते हैं। तो ये फाइनल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है, और वीडियो के अंदर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल से आपको समझा दिया है कि किस कैरेक्टर यूज करने से आपको क्या बेनिफिट होता है। और ये वाला जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है ये न्यू सीएस रैंक सीजन 21 के लिए बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। तो आप लोग बिना किसी शक के इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से गेम प्ले कीजिए। स्टार्टिंग में 2-3 दिन आपको प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आपका हाथ सेट हो जाएगा, माइंड सेट हो जाएगा, उसके बाद ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो अगर आपको ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।